स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 6 अर्ली स्टेट्स इन इंडिया, इसके बारे में दो पार्ट करा दिए हैं। अब इसका थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट, यानी कि थर्ड पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा, वो हम पढ़ाने जा रहे हैं, वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो मैंने आपको यहाँ तक कराया था क्राफ्ट्स पीपल। नाउ आई एम स्टार्टिंग। वन ऑक्यूपेशन वॉज स्पेशल एंड डेट वॉज मेकिंग ऑफ अ स्पेशल पॉटरी नन एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इट वॉज मेड ऑफ फाइन मटेरियल, वॉज ग्लॉसी एंड वेरी शाइनिंग। यहाँ से लेके आपको पहले मैं यहाँ तक का मीनिंग बताऊँगी। एक व्यवसाय विशेष था और वह उत्तरी ब्लैक पॉलिशेड के रूप में जाने जाने वाला एक विशेष मिट्टी का बर्तन था। यानी कि कोई मिट्टी का बर्तन था जो कैसा था, एक ब्लैक पॉलिशेड था, ठीक है। ये ठीक सामग्री से बना था, ये चमकदार था, बहुत चमकदार, ठीक है। और अमीर लोगों द्वारा ही उपयोग किया जाता था और व्यापार की प्रमुख वस्तुओं में से एक था। बाउल और व्यंजन भी थे इसमें, क्या थे, बाउल भी बनते थे, व्यंजन भी थे। इस तरह का एक पात्र था, एक बर्तन था। उत्तर पश्चिम में तक्षशिला जितना दूर पाया जाता है, महिलाओं को लगता था कि वे ज़्यादातर बुनाई करती हैं। तक्षशिला में क्या है, उत्तर पश्चिम में तक्षशिला काफ़ी दूर पाया जाता है। उसके बाद महिलाओं के बारे में बताया गया कि महिलाओं को लगता है वह ज़्यादातर बुनाई करती हैं। उनके रोज़गार के लिए अर्थशास्त्रीय दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने उनके रोज़गार के लिए क्या किया गया, अर्थशास्त्रीय दिशा निर्देश दिए, ठीक है बच्चों। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, बुनाई या बड़ईगिरी या धातु कार्य जैसे एक ही व्यवसाय वाले शिल्पकार रहते थे और काम करते थे एक ही शहर में। एक साथ वैशाली में एक क्षेत्र में मिट्टी के बर्तन बेचने वाली 500 दुकानें थी। कभी कभी पीपल, बनारस के हाथीदांत, ये काम भी होते थे। मज़दूरों की तरह एक ही गली में रहते थे, वे सारे लोग मज़दूरों की तरह एक ही गली में रहते थे। हम इससे जानते हैं खुदाई किए गए शहर और जातक जैसी पुस्तकों से। कैसे जानते हैं हम इस बारे में, खुदाई किए गए शहरों में से जो चीज़ें निकली हैं और जातक कताब से इसके बारे में जानते हैं। रथ बनाना भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। टोकरे वाले लोगों ने खुद को श्रीनेस या गिल्ड में संगठित किया। ये एक एनोटनर की मदद करने के लिए संघ थे, जैसा कि वे एक दूसरे के साथ परिचित थे और आमतौर पर एक दूसरे के करीब रहते थे, जिन्हें वे एक के रूप में जानते थे। जाति, बेटे ने आमतौर पर अपने पिता से शिल्प सीखा। जाति कैसे, मतलब जाति के बारे में जानते थे। बेटे ने क्या सीखा, अपने पिता से सीखा, चूँकि पेशे वंशानुगत हो गए थे, क्योंकि पेशा जो हो गया था वो वंशानुगत हो गया था, ठीक है बच्चों। इसलिए उनके पास भी ये हुनर था। अब उसके बाद क्या हुआ कि शिल्पकारों ने करों का भुगतान भी किया। वे आमतौर पर माल के लिए राजा से शुल्क नहीं लेते थे। उदाहरण के लिए बुनकरों ने उन्हें निश्चित मात्रा में कपड़ा दिया और धातु श्रमिकों ने राजा के लिए औजार बनाए। अब क्या करते थे, वो पैसे नहीं लेते थे, वो क्या करते थे, बुनकरों से निश्चित मात्रा में कपड़ा देते थे। जैसे बुनकर हैं उनको कपड़ा देते थे, बुनकरों को हम कपड़ा ऐसे देते थे ताकि वो कपड़े से कुछ बना सके, और धातु श्रमिक राजा के लिए क्या बनाते थे, औजार बनाते थे। इतनी सारी जातक कहानियों में उन व्यापारियों का उल्लेख है जो बुद्ध के शिष्य बन गए, माल ढियाई का उत्पादन किया। शिल्पियों को व्यापारियों द्वारा लंबी दूरी पर ले जाया गया। सभी महत्वपूर्ण शहर किससे जुड़े हुए थे, सड़क मार्ग से जुड़े हुए थे। और लंबी दूरी पर ले जाया गया, सभी महत्वपूर्ण शहर सड़क मार्ग से जुड़े हुए थे। व्यापारियों ने या तो गाड़ियों से या फिर नदियों से सफ़र किया, ठीक है बच्चों। इसमें आपका यहाँ तक हो गया। अब आपका लास्ट पेज, बैंक्स दे कैरी टेक्सटाइल पॉट्स आयरन टूल्स एंड ओवरी ऑब्जेक्ट्स दे यूज्ड मनी एग्जाम्पल द पंच मार्क कॉइन्स मेंशन अर्लियर इन ट्रेड दे न्यू हाउ टू मेंटेन अकाउंट्स ऑल दीज मेड ट्रेड ईजी द मर्चेंट्स हैड टू पे टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स इन द सेम वे एज वी पे सेल्स टैक्स टूडे गुड्स वर टेकन एज फार अवे एज मथुरा एंड तक्षशिला, ठीक है बच्चों। The merchants had to pay tax on the sale of goods in the same way as a pay sales tax today. We pay sales tax today. Same way as we
सेम एज वी पे सेल्स टैक्स टूडे गुड्स वर टेकन एज फार अवे एज मथुरा एंड तक्षशिला भृगु कच्छ एंड सोपारा ऑन द वेस्ट कोस्ट वर इम्पोर्टेंट सीपोर्ट्स फ्रॉम वेयर गुड्स वर सेंट टू साउथ इंडिया एंड वेस्ट एशिया. इसका जो अर्थ है वो ये है, उन्होंने वस्त्र बर्तन लोहे के उपकरण और हाथी दांत की वस्तुओं को ढोया, उन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया, पंचीनित सिक्का चिक्की व्यापार में पहले उल्लेख किया है, उन्हें पता था कि खातों को कैसे बनाए रखना है. इन सभी ने व्यापार को आसान बना दिया. व्यापारी आज जिस तरह से हम बिक्री कर का भुगतान करते हैं उसी तरह से माल की बिक्री पर भी कर देना पड़ता था. माल को दूर ले जाया गया था. पश्चिम तट पर मथुरा और तक्षशिला भृगुचेच्छा और सोपारा महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जहाँ गौमुख थे दक्षिण भारत और पश्चिम एशिया में भेजे गए. उसके बाद आएगा द वाजी किंगडम का केस स्टडी. वाजी किंगडम के बारे में केस स्टडी है, इसके मैं आपको हिंदी में बताती हूँ. पहला पॉइंट, वैशाली का गणतंत्र वैशाली में अपनी राजधानी के साथ आधुनिक बिहार में भी स्थित था. वह एक था 8-9 वंशों का परिसंघ जिनमें से लिच्छवी सबसे शक्तिशाली थे. दूसरा पॉइंट, एक आदिवासी गणतंत्र द्वारा संघ शासित था. इसमें कई संगतों का समावेश था. प्रत्येक का एक सिर या राज था. तीसरा पॉइंट, मुख्य सरकार लिच्छवी मल आदि थे. इनमें से प्रत्येक पर प्रख्यात लोगों को चुना गया था. वाजीगण परिषद के प्रतिनिधि परिषद के अध्यक्ष को गण प्रमुख कहा जाता था, लेकिन अक्सर वे थे राजा के रूप में संबंधित किया. हालांकि उनका पद वंशानुगत नहीं था. अन्य अधिकारी महाबली अधिकृत थे, जैसे बनिश्चित में अंतरिक्ष सुरक्षा बनिश्चित में तथा मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकृत अन्य न्याय आदि. और आपका नेक्स्ट पॉइंट है, एक और महत्वपूर्ण यानी कि चौथा पॉइंट, एक और महत्वपूर्ण नहीं आपका ये पांचवा पॉइंट है, एक और महत्वपूर्ण संगठन विदेह था. इसकी राजधानी मिथिला थी. ये एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था. और आपका लास्ट और सिक्स्थ पॉइंट है, विज की राजधानी वैशाली का समृद्ध शहर था. जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्म हुआ था. यहाँ बुद्ध उपदेश देने के लिए वैशाली भी गए. फिर आपका आएगा अंगा द केस स्टडी. अंगा के बारे में केस स्टडी. अब मेन पॉइंट्स के आपको मीनिंग बताती हूँ. पहला पॉइंट, अंगा का राज्य 16 महाजनपदों में से एक था. नेक्स्ट पॉइंट, अंग का क्षेत्र मोटे तौर पर बिहार के भागलपुर और मोंगहियर से मेल खाता है. चंपा नदी मगध और अंगा के बीच सीमा का गठन किया. उत्तर की ओर गंगा नदी को प्रभावित किया. नेक्स्ट पॉइंट, पुराणों और महाकाव्य महाभारत में उल्लेख है कि अंगा राज्य की स्थापना एक शासक द्वारा की गई थी. अंगा जो निम्न वर्ग यानी कि मलेशिया बर्बर के थे, जैन ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में धमी वाहन का उल्लेख है. नेक्स्ट पॉइंट, अंग की राजधानी चंपा थी जो गंगा के तट पर स्थित थी. यह एक महत्वपूर्ण नदी बंदरगाह था. ये क्या था? महत्वपूर्ण नदी बंदरगाह था जिसे जहाज गंगा और फिर तट के साथ दक्षिण भारत की ओर रवाना होंगे. क्या था? एक नदी बंदरगाह था जो जहाज गंगा और फिर तट के साथ दक्षिण भारत की ओर रवाना होंगे. वह साथ लौटते गहने और मसाले उत्तर में बहुत मांग थी. वह साथ लौटे क्या लाते थे? गहने और मसाले, क्योंकि उत्तर में इनकी बहुत मांग थी. फिर आपका है लास्ट पॉइंट, इसलिए चंपा उस युग के सबसे समृद्ध शहरों में से एक बन गया. यह महत्वपूर्ण केंद्र था और वाणिज्य के रूप में इसका स्वागत किया गया. मगध के शासक द्वारा अनेका को दिए जाने पर अंगा एक स्वतंत्र राज्य बन गया. बच्चों, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप इसको वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.